दोस्तों आज हमारे पास है इंडियन कोबरा जो वेनमस स्नेक है, तो इस सांप को हम यही रिलीज करने वाले हैं। दोस्तों जहरीले सांपों में एक है, काफी खतरनाक है और काफी गुस्से में भी है, और अगर किसी को काट ले तो झाड़ फूंके चक्कर में ना रहे, डायरेक्ट तो हॉस्पिटल जाए। इसका न्यूरोटॉक्सिक वेनम है इसके अंदर और काफ़ी घातक होता है जहर। सावधान रहे, सुरक्षित रहे आप ये सांप से, और इसका भी रिलीज करेंगे। मोटो है यार, खड़ो करो एकदम, डब्बा खड़ो, डब्बा मुंडा कर लो उन्हें, एकदम खड़ो करो डब्बा। हाँ बस दोस्तों इंडियन कोबरा जो वेनमस स्नेक है, थोड़ा बड़ा आदमी मुझे। दोस्तों देख पा रहे हो आप इस सांप को, काफ़ी डेंजर रूप है इसका। दोस्तों इसके अंदर जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होता है, टकरा जाऊँ तो पड़ जाऊँ, काफ़ी डेंजर होता है। दोस्तों ये सांप कभी भी काट ले तो तुरंत अस्पताल जाए, कोई रिस्क ना ले इस सांप। दोस्तों ये दिखने में काफ़ी चमचमाट दिख रहा है, दोस्तों इसने अभी अभी अपनी केंचुली उतारी होगी। दोस्तों सांप जो होता है अब साल में 2 से 3 बार अपनी केंचुली उतारता है, जो ये पेट घस के चलता है, इससे कोई भी बीमारी हो सकती है इसको, इसकी वजह से साल में 2 से 3 बार ये अपनी केंचुली उतारता है। दोस्तों इसकी पुकार देख पा रहे हो, भारत में हर साल लाखों मौतें होती है इस सांप की वजह से। काफी डेंजर रूप है दोस्तों इसका, काफी बिग साइज का सांप है, और इसकी पुकार देख पा रहे हो आप, सुन पा रहे हो इसकी आवाज कितनी डेंजर है। कितना खड़ा होता है ये आक्रमक, 2 से 3 फीट तक जंप मार सकता है ये सांप। दोस्तों देख पा रहे हो कितना ऊपर हो गया है, जब आक्रमक रूप होता है इसका तो इसी तरह ये खड़ा हो जाता है। लोगों का आत्मविश्वास बहुत है दोस्तों, ये फुकार मारने से भी हमारी मौत हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये कितनी पुकार मारे इससे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आक्रामक रूप है इसका, जो अपने पुकार से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अभी ये गुस्से में दिखाई दे रहा है और काफ़ी आक्रामक रूप है इसका। दोस्तों ध्यान रखें इस सांप का, घरों की ओर आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, खासकर इसके ऊपर जो पैर रख देते हैं उसकी वजह से बाइट करता है ये। दोस्तों वेनमस सांप है ये, इस सांप का ध्यान रखें। तो दोस्तों इसे हम यहीं रिलीज कर देते हैं। मुझे जाओ दिया।